अरे कद्र करो हमारी, वरना रोता हुआ छोड़कर चले जाएंगे। अगर हम जो रुट गए ना, तो अपनी रोती हुई शक्ल किसको दिखाओगे? हर किसी पे बरसता बादल हो जाएगी, हर किसी पे बरसता बादल हो जाएगी, मेरा यकीन रख मेरी जान, मेरे जाने के बाद तू पागल हो जाएगी। काम धंधा एकदम अच्छे से संभालना, समझ गई? और अगर कोई लड़का आई लव यू बोले तो यू टर्न मार के सीधा निकल जाने का। क्या एटीट्यूड तो देखो मैडम का, उगालते में खड़ी है। अरे तू क्या समझती है, तू गुरु परी है। हम जिसे आई लव यू बोलेंगे ना, वो शेरनी होगी, तू तो लोमड़ी है, तेरे जैसी 36 खड़ी है। वापिस लौट आने की तकलीफ मत करना, हम मनहूस शक्लें बार बार देखा नहीं करते। क्या तेरे आने के बाद ना, दोस्तों में इज्जत, शहर में शोहरत और जेब में दौलत कम हो गई। मुझे तो कंफर्म था, पर कंफ्यूज कौन था यार। मुझे बर्बाद करने के बाद भी ये मुझे ही ब्लेम कर रही है। आप लोग ही कमेंट करके बताओ, हम दोनों में से मनहूस कौन था? कि तू हारे भाई और जीतू मैं, मेरी वीडियो ट्रेंडिंग से हट गई तेरी तू तू मैं। जितने लोग मेरे चाहने वाले हैं, फटाफट कमेंट करके बताओ यार, आप ये वीडियो फॉलोइंग्स में देख रहे हो या फॉर यू में? यार एक बात बता, जब बात फिजिकल रिलेशन की होती है तो कोई जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखता है, मगर जब बात शादी पर आ जाए तो लोग कुंडलियां टटोलने लगते हैं। तुम सही कहा ना, मेरे मुंह पर सलाम करते हैं, मेरी पीठ पीछे मुझे कुत्ता कमीना नीच बोलते हैं। सच बोलने की आदत है ना, इसीलिए तो लोग बदतमीज बोलते हैं। स्नैपचैट पे फिल्टर लगाकर कुत्ते तो बन जाओगे, पर वफादारी कहाँ से लाओगे? अपनी भद्दी सी शक्ल पर आटा लगाने के बाद भी फिल्टर लगाने वाली लड़की खुद को नेचुरल ब्यूटी कह रही है क्या? जिसके खुद के खर्चे एक लड़के से पूरे नहीं होते, वो हमें वफादारी का ज्ञान दे रही है। अब ना बड़े हो गए हो तो सामने वाली बंदी देख कर फेंकियो, मुझे लेजी बोलता था, बिना माचिस के आग लगा दी तो बैठ के फेंकियो, कहता अब देखी भी नहीं तुझे कितना टाइम हो गया, मैंने कहा घर में टीवी है अब उसमें देखियो। अब मैं ना इस मैडम को रिप्लाई दूंगा, अब मुझे कोई ना रोकियो, भाई इसने जो आग लगाई है ना उसी आग में इसको झोंकियो। अरे बड़ी बड़ी बातें तुझ पे जस्ती नहीं है, आग लगाने की तेरी हस्ती नहीं है, तू सिर्फ लड़कों में मत्था ठोकती रहे ना, और सुन फिल्मों में आने की और टीवी पे छाने की तेरी औकात नहीं है, तो सिर्फ टिकटॉक पे भोगती रहना।